हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अभी हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के पास है, जहां पर अभी यूपी पीसीएस 2022 का इंटरव्यू चल रहा है। अभी सर इंटरव्यू देखे आ रहे हैं, इनसे जानेंगे अंदर का माहौल किस तरीके से रहा, क्वेश्चन वगैरह किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, साथ साथ इन्होंने तैयारी अपनी कैसे की पूरी। तो आज की इस वीडियो में सब कुछ कवर करने वाले, बस आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहेगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलते रहे। हेलो सर, इंटरव्यू का सर आप सर इंटरव्यू तो मेरा सर बहुत अच्छा रहा है, और अंदर का बोर्ड भी काफ़ी सपोर्टिव था, और जो है कि उन्होंने जितने भी पूछे मतलब एक दो क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारा का सारा मतलब ठीक गया है। मतलब कि कोई जैसे सर आपका नाम और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड। सर मेरा नाम अरविंद है, और मैं इलाहाबाद विद्यालय से अंडर ग्रेजुएट हूँ, और मैंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन जो है कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से किया है। अभी वर्तमान समय में पीएचडी की एडमिशन पीएचडी में लिया हूँ चौधरी चरण सिंह विद्यालय से। पीसीएस की तैयारी सर कब से करूँ? पीसीएस की तैयारी सर मैं 2020 की लास्ट से करूँगा, क्योंकि सर कोरोना के बाद से मैंने तैयारी इसकी मेनली शुरू की है। तो मीडियम सर आपका कौन? मीडियम सर हिंदी है मेरा। हिंदी मीडियम सर, बहुत सारे हिंदी मीडियम के साथ छात्र भी हमारे साथ जुड़े हैं, उस पर आगे चर्चा करने वाले हैं। सर अभी क्वेश्चन वगैरह क्या क्या पूछे गए उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो क्वेश्चन सर मेनली मेरा जैसे कि मुझसे जैसे मेरा हॉबी इको टूरिज्म है, पीएचडी में मेरा टॉपिक भी इको टूरिज्म है, तो मुझसे ज़्यादातर जैसे टूरिज्म से रिलेटेड टॉपिक ज़्यादातर पूछे गए क्वेश्चन, और एक मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तो उसी के अराउंड मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन उसी के अराउंड थे। एक थोड़ा मजिस्ट्रेट के कार्य वगैरह पूछे गए, एसडीएम डीपी कलेक्टर में अंतर, ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे। एक दो क्वेश्चन जैसे कि बाहर से कुछ खेल से पूछे गए थे, बाकी सारे क्वेश्चन मतलब कि ज्योग्राफी ऑप्शनल के अराउंड ही था लगभग। जो आपका ऑप्शनल से क्वेश्चन पूछा गया वो थोड़ा आप बता पाएं क्या क्या चीज़ें पूछी गई वहाँ? जैसे क्लाइमेट चेंज से पूछा था कि क्लाइमेट चेंज का भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और सर जीआईएस से पूछा था जैसे कि जीआईएस ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से क्वेश्चन पूछे गए थे, और सर जैसे बुंदेलखंड की समस्या, यूपी के भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे, जैसे बुंदेलखंड की समस्याएं हैं उस क्या क्या समस्याएं हैं, उनका निवारण कैसे करेंगे, ये सब भी मतलब कि कुछ ऐसे याद कर पा रहा हूँ। जो आपका डिस्ट्रिक्ट सर कौन सा करते हैं? मेरा डिस्ट्रिक्ट मऊ जिला है। वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन हो गए? जिले से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, उनको जिले में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि उन्होंने जैसे कि ग्लोबल इन्वेस्टर सबमिट के बारे में पूछा था, उसमें कितनी राशि आई है, तो उसमें पूछा था उन्होंने कि किस जिले में मतलब सबसे कम आया था, तो मैंने वहाँ पे थोड़ा जिक्र किया था कि सर आजमगढ़ मंडल है, जहाँ आजमगढ़ मऊ बलिया, और मेरा सर मऊ डिस्ट्रिक्ट लगता है। सर ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है यहाँ पीछे? ये मेरा सर तीसरा अटेम्प्ट है, लेकिन ये मेरा बेंच पहला और इंटरव्यू पहला है। इसके पहले जो दो अटेम्प्ट दिया था उसमें मैंने एकदम पढ़ाई नहीं की थी, मतलब ये पढ़ के मेरा पहला अटेम्प्ट है, इसके पहले तो बस ऐसे ही दे दिया था। सर आप जैसे कि पहली बार में यहाँ तक मान लीजिए इंटरव्यू तक पहली बार पहुँचे हैं, तो इंटरव्यू के लिए आप अंदर जा रहे थे, तो किस प्रकार की मतलब खुशी आपके अंदर थी सर? खुशी तो अब क्या बता, खुशी तो सर बहुत थी, और इस पल का बहुत दिनों से इंतजार था कि कब मुझे आयोग में आने का मौका मिलेगा। अभी तो सर मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, और भगवान ने चाहा तो इस बार अच्छा होगा। सर बिल्कुल चाहेंगे। नहीं, पीसीएस के लिए कहीं पर कोचिंग वगैरह करते थे या फिर मतलब खुद ही तैयारी करते थे? सर ट्रूली मैंने कोचिंग किया हुआ है, और अभी कर भी रहा हूँ, मेरे अभी सिलेबस पूरे नहीं हुए हैं, थोड़ा बहुत बचा है। दृष्टि आईएएस में कोचिंग करता हूँ प्रयागराज में। हाँ नहीं नहीं प्रयागराज में नहीं सर, मैं दिल्ली में कोचिंग करता हूँ, यूपीएससी की तैयारी करता हूँ, तो मैं दृष्टि आईएएस में कोचिंग करता हूँ, और दृष्टि के मेंटरशिप प्रोग्राम में भी हो लाइब्रेरी के। यूपीएससी का आपने अभी तक अटेम्प्ट दिया कि नहीं सर? एक अटेम्प्ट दिया है इस बार का सर, नहीं हुआ था प्रीलिम्स। तो क्या क्या चीज़ें मतलब आपने जैसे कि फिल्म्स की तैयारी के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि अभी फिल्म्स का एग्जाम भी आने वाला है, तो फिल्म्स के लिए आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी उसके बारे में? सर जैसे कि मैं यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों की तैयारी मिला के करता हूँ, तो मैं ऐसा नहीं है कि यूपीपीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा फैक्चुअल जाता हूँ, तो मैं कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों को साथ ही कंबाइन करके पढ़ना मुझे पसंद है। तो सर पहले तो मैं हर सब्जेक्ट का एक मेरे पास प्रॉपर नोट्स है, ठीक, उस नोट्स को मैंने शॉर्ट नोट्स बना के पढ़ा हुआ है, और हर सब्जेक्ट की एक एक बुक स्टैंडर्ड बुक जो अपने अपने लोग सब लोग पढ़ते हैं, मुझे जो पसंद है, चाहे सबको अलग अलग चीज़ें पसंद है, जहाँ से जैसे जहाँ से मैटर जिसको तैयार हो जाए, तो एक बुक और एक अपना नोट्स और एक सर क्वेश्चन आंसर सॉल्व मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ। जैसे कि मैंने पीसीएस के लिए घटनाचक्र सॉल्व किया कम से कम 7-7, 8-8 बार सारे के सारे, और सर मैंने जैसे कि दृष्टि का प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज भी सॉल्व किया हुआ है 2-2, 3-3 बार, तो वो दोनों हो जाता है। ऊपर से मार्केट से मैं टेस्ट सीरीज ज़्यादा लगाता हूँ मतलब कि। और सर जैसे कि फिल्म्स का एग्जाम आने वाला है, तो थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि फिल्म्स के एग्जाम में कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बाद में दिक्कत होती है।
जैसे प्रीलिम्स में अगर देखा जाए तो आप बहुत ज़्यादा सोर्स की तरफ ना भागिए। अगर अपना आप अपने सोर्स को जितना लिमिटेड कर सके और उसको जितना क्विक रिवीजन कर सके, जैसे अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो उसमें रिवीजन अच्छा हो जाता है, और जो स्टैंडर्ड बुक की तरफ फॉलो मतलब ज़्यादा चाहिए। जैसे बहुत लोग होते हैं कि एक ही सब्जेक्ट के लिए दो चार तरीके के बुक पढ़ना पसंद करें, तो ऐसी गलती मुझे नहीं लगता करनी चाहिए। और अगर आप तैयारी में प्रीलिम्स के हैं तो सबसे ज़्यादा फोकस तो आप प्रैक्टिस सेट पर करिए, जैसे घटना चक्र है, फिर मार्केट में जो कोचिंग संस्थान के टेस्ट सीरीज आते हैं तो उन पर फोकस कर सकते हैं। सर अभी तक जो था कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता था, तो क्या है कि जब आप यूपीएससी की तैयारी करते थे या फिर पीसीएस की साथ में कर सकते थे, लेकिन अभी ऑप्शनल पीसीएस में तो हट चुका है, तो अब मतलब मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए खासकर पीसीएस के लिए? तो मुझे लगता है कि अभी स्ट्रेटजी अगर मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लगता है, क्योंकि यूपी पीसीएस तो ऑप्शन से पढ़ना और आसान ही है। अगर दोनों दिया वो देना हुआ, अगर दोनों कभी ऐसा सौभाग्य हो कि दोनों एक ही साथ दें, तब भी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर यूपी पीसीएस स्पेशल का सिलेबस भी बहुत छोटा है और उसे इजीली पढ़ा जा सकता है, और कहीं ना कहीं हमारे लिए ठीक ही है। जैसे कि इसके पहले होता था कि साइंस बैकग्राउंड और आर्ट मानविकी सब्जेक्ट वालों के बीच थोड़ा सा इनजस्टिस का मामला रहता था, लेकिन अब सर ठीक ही है, मतलब कि एक तरह से हटना। इंटरव्यू के लिए कहीं आपने को मतलब कहीं पर मॉक इंटरव्यू वगैरह दिया? मॉक इंटरव्यू सर दिया है, दृष्टि आईएएस में दिया है, संस्कृति में दिया है, निर्माण आईएएस, जीएस वर्ल्ड, मतलब 5-6 कोचिंग मैंने दिया हुआ है सर। वहाँ पर आप मॉक इंटरव्यू दे के आए, अभी आप यहाँ पर इंटरव्यू दे के आ रहे हैं रियल में, तो मतलब दोनों में क्या डिफरेंस आपको लगा सर? मॉक इंटरव्यू तो सर क्या बताऊँ, मॉक इंटरव्यू तो जैसा जा रहा था उससे तो ये बहुत बेटर था। मॉक इंटरव्यू में तो थोड़ा सा कुछ बहुत जगह कमियाँ होती, तो लेकिन वो उसी का बेनिफिट है कि आज मैं मतलब सही से बोल पाया। जैसे कि मॉक इंटरव्यू में क्या होती है कि आप थोड़ा प्रेशर भी चीज़ें झेलना सिखाते हैं, वहाँ पे जाता जैसे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन अलग होता है लेकिन ठीक है। मतलब कि एक आपको ड्रेसिंग सेंस से लेके आपको बात करने के तरीके और जो अंदर से घबराहट होती है उन चीज़ों का आप सामना पहले कर चुके होते हो, तो यहाँ पे बेहतर बोल पाते हैं आप। जब आप मॉक इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पर मतलब क्या क्या चीज़ें मतलब वहाँ पर बताई जाती है आपको इंटरव्यू देने के पहले? जैसे मॉक इंटरव्यू में आपको पहले तो आपको कैसे बात करना है, आपको बायोडाटा पे कैसे काम करना है, और जो है कि राज्य की समस्याएं किन किन मुद्दों पे आपको बात की जा सकती है, इन मुख्य रूप से यही बातें बताई जाती है। अगर आपको प्रेशर में डाल दिया जाए तो आप कैसे प्रेशर को हैंडल कर पाएंगे, तो यही सर जो मैं सोच पा रहा हूँ अभी। ओके, थैंक यू सो मच सर, आशा करता हूँ कि आपका सिलेक्शन इस बार जरूर। धन्यवाद सर, धन्यवाद।